हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं लहसुनी राजमा चावल। सो मैंने अपने जो राजमा है रात में ही भिगो दिए थे। नाउ आई हैव पुट इट इन द कुकर ताकि ये उबल जाए। और चावल मैंने बासमती चावल अपने एक कप चावल मैंने 2 कप पानी में धो के भिगो के रख दिया है। जब तक राजमा बनेगी तब तक हमारे चावल बन जाएंगे। तो इस राजमा में मैं सबसे पहले क्या करूँगी, हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। ओके, एंड द स्पेशल थिंग वी विल डू इज वी विल ऐड दिस लहसुन। सो ट्रेडिशनली हम लोग लहसुन का जो फुल बल्ब आता है वही डालते हैं, लेकिन जस्ट टू बी अ लिटिल मोर हाइजीनिक, क्योंकि कई बार लहसुन अंदर साफ नहीं निकलते, तो आज मैंने लहसुन की एक एक ऐसी कलियां निकाल ली हैं। और ये लहसुन आप बिलीव कीजिए, ये लहसुन मैं डायरेक्टली इसमें उबालूंगी एंड द टेस्ट इट विल गिव विल बी अमेजिंग। इसके बाद मैं लहसुन तड़के में नहीं डालने वाली हूँ। सो सी हाउ इट इज लुकिंग, राजमा एंड लहसुन टुगेदर। इसको हम उबाल देंगे, मैं 2-3 सीटी दे दूंगी एंड तब तक हम तड़के की तैयारी करते हैं। सो फ्रेंड्स, साइड में मैं अपने तड़के की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने लिया है 1 इंच जिंजर। नाउ आई एम नॉट टेकिंग लहसुन ऑब्वियसली बिकॉज मैंने लहसुन उबालने में डाल दिया है। 1 प्याज और 2 टमाटर लूंगी मैं राजमा में। राजमा मेरी थी लगभग 1.5 से 2 कप। सो लेट मी फाइनली चॉप द अनियन एंड बी रेडी फॉर द तड़का। सो फ्रेंड्स, अब मैंने अपना जो तड़के का सामान है वो काट लिया है। प्याज मैंने बारीक काट दिए हैं, मैंने 2 हरी मिर्च ली है जिसको मैंने ऐसे स्लिट कर लिया है, एंड आई हैव कट दिस अदरक इन जूलियंस। एज यू कैन सी दीज आर वेरी वेरी फाइन, एंड इफ यू कैन डू इट वेल एंड गुड, अदरवाइज आप जैसे भी चॉप करना चाहें कर सकते हैं। इधर मैंने एक छोटा सा पैन रेडी किया है, 2 टेबलस्पून इसमें तेल डाला है, रिफाइंड ऑयल, एंड नाउ वी विल गेट रेडी। नाउ लेट मी गेट माई मसालदानी ओपन। इस मसालदानी से हम सबसे पहले डालेंगे जीरा। सी दिस इज हाउ योर जीरा शुड क्रैकल। जीरा मैंने डाला है 1 टीस्पून। अब लहसुन तो मैंने राजमा में ही डाल दिया था, सो नॉट रिक्वायर्ड। अब मैं डालूंगी अदरक, ओके, एंड ग्रीन चिली, जस्ट गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ मिक्स, दैट्स इट। अदरक को आपको ब्राउन करने की जरूरत नहीं होती है, अनलाइक गार्लिक, सो दैट शुड बी फाइन। और अब हम इसे पिंकिश कर लेंगे प्याज को, ठीक है। और तब तक मैं अपना टमाटर काट लेती हूँ और तब हम डालेंगे मसाले। सो फ्रेंड्स, इफ यू कैन सी माई अनियंस आर परफेक्टली पिंक नाउ, एकदम परफेक्ट पिंक लग रहे हैं। अब मैंने जो टमाटर अपना फाइनली चॉप किया है ये मैं डाल दूंगी, एंड एज यू विल लर्न इन ऑल माई वीडियोज, जैसे ही आप टमाटर डालते हैं फील फ्री टू ऐड सॉल्ट, ताकि ये टमाटर पक जाएं जल्दी से। तो लेट मी ऐड सम सॉल्ट नाउ, एंड जब ये थोड़े से पक जाएंगे तब मैं अपने बाकी मसाले डाल दूंगी। आई जस्ट गिव इट अ मिक्स एंड लेट इट लाइक कुक, एटलीस्ट 50% पकने देते हैं, तब हम डालते हैं बाकी मसाले। तो फ्रेंड्स, अब देखिए हमारे जो टमाटर हैं ये आधे गल चुके हैं। इस वक्त मैं अपने मसाले डाल दूंगी। मेरी सारी रेसिपीज़ में हमारा मसाला बॉक्स एग्जैक्टली वही रहता है। डालूंगी मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी, बहुत ही कम, 1/4 टीस्पून, और धनिया पाउडर अच्छे से जाएगा इसमें, लाइक 2 टीस्पून, एंड लाल मिर्च आप डाल दीजिए जितनी आपको तीखा पसंद हो। आई जस्ट पुट दिस मच एंड नाउ वी विल मिक्स इट अप। और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि तेल इसका बाहर ना आ जाए। बीच बीच में आप मीडियम आंच पे ओकेजनली इसे स्टर करते रहिए। तो फ्रेंड्स, अब मुझे इसे चलाते हुए 10-12 मिनट हो चुके हैं। एज यू कैन सी द ऑयल हैज़ ऊज्ड आउट नाउ, एंड एट दिस स्टेज मेरा जो कुकर है इवन दिस इज काइंड ऑफ रेडी नाउ, एंड आई विल स्विच ऑफ द फ्लेम। एंड नाउ वंस द सिटी इज रिलीज्ड,
देन आई विल ऐड ऑल दिस मसाला इन द कुकर। सो फ्रेंड्स, अब मेरी राजमा की सीटी निकल चुकी हैं, देखते हैं राजमा कैसी लग रही है। इफ यू कैन सी हियर, राजमा और लहसुन अच्छे से पक चुके हैं। डोंट थिंक अबाउट थ्रोइंग दिस वाटर। और अब मैं इसमें ये जो मेरा मसाला है ये मैं राजमा में डाल दूंगी और मैं कुकर को ही ऑन कर दूंगी, आपको अलग से बर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट पुट द मसाला एंड मिक्स इट अप नाइस। फ्रेंड्स, राजमा में मैं अपना मसाला डाल देती हूँ। ओके, और ये भी जो मसाला इसमें चिपका है इसमें मैं गर्म पानी डाल के निकाल दूंगी, नथिंग विल बी वेस्टेड। वॉट वी विल डू इज वी विल मिक्स इट अप नाइसली। बस आप अपने हाथ को ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि हमें जो लहसुन हमने चंक्स में डाले थे वी वॉन्ट इट एज इट इज। सो लेट दिस कुक। और एक राजमा आप चेक कर सकते हैं कि कुक हुई है कि नहीं। आई एम जस्ट स्मैशिंग इट अगेंस्ट द वॉल। यस, इट्स नाइसली कुक्ड। और पानी आप अपने अंदाजे से गर्म पानी और डाल सकते हैं। सो आई विल कुक इट फॉर 10 गुड मिनट्स एंड देन लेट्स। फ्रेंड्स, लेट्स लुक एट आवर राजमा। राजमा हमारी देखिए अच्छी दिख रही है, ऊपर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत तेल भी आ रहा है। अब मैं इसको बस अच्छे से मिक्स करते रहूंगी और हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। सी सम पीपल व्हाट दे डू इज, अगर आपकी राजमा अच्छे से गली नहीं है, सो लाइक हाउ आई जस्ट शोड यू राइट, यू कैन यूज योर लेडल and crush that rajma against the wall of the cooker and that will add to the thickness of the gravy. But I think I like my rajma this way. It already has some texture, but aap aisa kar sakte hain, just make sure that you don't accidentally crush the lehsun. So this is a one kind of almost one pot recipe. Maine ye notice kiya hai ki jab main छौकन के साथ राजमा को उबालती हूँ एक ही साथ तो दैट फ्लेवर डजेंट कम। सो आई डू इट यूजुअली आई बॉयल द राजमा सेपरेटली, आई पुट द छौकन सेपरेटली, दैट वे आई गेट द एक्स्ट्रा फ्लेवर। नाउ फॉर गार्निशिंग, जब तक ये हमारा कुक हो रहा है आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सम कोरिएंडर एंड जस्ट गार्निश ऑन टॉप। एंड आई हैव ऑलरेडी केप्ट माई राइस स्टीमिंग हॉट राइस विच विल बी सर्वड एज। हमारी राजमा रेडी है, इसमें मैंने हरे धनिए की गार्निशिंग भी की है। इट इज फ्रेश हॉट एंड रेडी एंड दिस इज द लहसुनी राजमा। इफ यू कैन सी द बिट्स ऑफ लहसुन कमिंग इन बिटवीन एंड द जूलियन अदरक जो हमने काटी थी। यू सर्व इट विद फ्रेश हॉट स्टीमिंग राइस एंड लेट अस नो हाउ यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आई हैव सर्वड माई सेल्फ सम स्टीम्ड राइस विद राजमा मसाला विच वी मेड and I'm going to enjoy it just like this. You guys can make it at your home and let us know how you liked it. Thank you for watching.